पर आप सभी से एक प्रश्न पूछें कि सबसे ज्यादा फोन आप किसका इग्नोर करते हैं, सबसे ज्यादा फोन आप किसका नजरअंदाज करते हैं, तो आप कई जगह पर पहुंच जाएंगे। हम उसका फोन रिसीव नहीं करते, हम उसका फोन रिसीव नहीं करते। पर आज आपको एक बात बताना चाहते, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय भोले की, आप सभी भाई बहनों के ऊपर श्री महाकाली श्री भोलेनाथ ठाकुर जी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रिय साधक भाई बहनों, घर में चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, लेकिन जब तक माँ दिखाई नहीं देती तब तक घर खाली खाली लगता है। आज दिन तक किसी ने भी दो चीज़ों का अंदाज़ा कभी लगा ही नहीं पाया, एक माँ की ममता और दूसरा पिता की क्षमता। आपस में मेल मिलाप का सार होती है माँ, सबको एक सूत्र में बांध कर रखती है माँ। माँ वो हस्ती है जो पानी को भी अमृत बना दे और अपनी खूबियों से खंडहर को भी घर बना दे। माता पिता वो ताकत हैं परिवार को आपस में जोड़े रखने का सार समझाते हैं, और जब माता पिता नहीं होते हैं तो कई रिश्ते हमारे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि भाई बहनों के भी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। पर आप सभी से एक प्रश्न पूछें कि सबसे ज़्यादा फ़ोन आप किसका इग्नोर करते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ोन आप किसका नज़रअंदाज करते हैं, तो आप कई जगह पर पहुंच जाएंगे। हम उसका फ़ोन रिसीव नहीं करते, हम उसका फ़ोन रिसीव नहीं करते। पर आज आपको एक बात बताना चाहते हैं, शायद आपको अटपटा लगे कि कई बार जब हम लोग बाहर होते हैं और माता पिता का जब फ़ोन जाता है तो सबसे ज़्यादा हम माँ के फ़ोन को ही इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। ये सत्यता है। हम अन्य लोगों के लिए समय निकाल लेते हैं, हमारे पास पत्नी से बात करने के लिए समय होता है, पति से बात करने के लिए समय होता है, बच्चों से भी बात करने के लिए समय होता है, अपने प्रिय इष्ट मित्रों से भी बात करने के लिए समय होता है। पर माँ का जब फोन जाता है तो कई बार हम ये कह देते हैं कि अभी बिजी हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। ऐसे लोगों की संख्या अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है। माँ ज़्यादा ज़्यादा क्या पूछेगी आपको, बेटा खाना खा लिया, बिटिया कैसी हो, समय पे खाना खाना, समय पे सोना, समय से स्कूल जाना इत्यादि। और वो जितना भी पूछेगी ना, प्यार से ही पूछेगी। अन्य लोग भले ही आपसे गुस्से में बात करें, कुछ और भी चीजें कह दें, पर माँ नहीं। उसी माँ की हम जीते जी कद्र नहीं करते हैं, उसको पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो है क्या। जिस माँ के फोन को हम काट रहे हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी होंगे, आपका फोन भी होगा, पर माँ नहीं होगी और माँ का कोई फोन नहीं आएगा। समय आने पर आप उस नंबर को भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि ना माँ है और ना ही माँ का कोई फोन आने वाला है। और तब आपको लगेगा कि हमने जीवन में क्या कुछ गलत किया, हमने अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि जो लोग आपसे ये कहते हैं कि मैं आपका साथ दूंगा या दूंगी, मैं ये करूंगा या करूंगी, वो लोग साथ छोड़ जाते हैं। और उस कठिन घड़ी में आपकी केवल माँ, आपके पिता ही खड़े होते हैं। परिवार होना बहुत जरूरी है, जिसमें माता पिता भाई बहन सब हो। पर कुछ लोग परिवार को भी पूरा नहीं होने देते हैं,
कुछ लोग शकुनी जैसी हंसी हंसकर तुम्हारे जीवन में महाभारत कर देते हैं और हम समझ ही नहीं पाते। जब सब खत्म हो जाता है तब समझ पाते हैं कि हाँ हमने क्या गलत किया क्या सही किया। इसलिए जीते जी माता पिता की सेवा करिए, आपको बहुत कुछ मिल सकता है, सारे संबंध आपको दोबारा मिल सकते हैं, पर माता पिता कभी नहीं, वो कभी नहीं मिलेंगे आपको। रिश्ता चाहे कोई भी हो, जब तुमसे कोई ये कह दे कि अभी समय नहीं है बात करने का, मैं थोड़ी देर में करूंगा या करूंगी, फिर उसका कोई फोन ही नहीं आए और आप इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आपको जरूरत है, और जब उस व्यक्ति का कोई फोन ना आए तो समझ लेना रिश्ता खत्म होने का समय आ चुका है। क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए समय की जरूरत नहीं, चाहत की जरूरत होती है, और जब मन में चाहत की जरूरत होती है तो समय तो अपने आप मिल ही जाता है। इसलिए आप सबसे मेरा कहना है कि अपने परिवार के महत्व को जरूर समझें। छोटे छोटे स्वार्थ के पीछे हमें अपने रिश्ते खत्म नहीं करने हैं। परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और वो परिवार ही क्या जिसमें थोड़ा सा नोक झोंक ना हो, ये सब होता है। पर लड़ाई जब भी करें तो बच्चों जैसी करें, क्योंकि बच्चों का आपने अक्सर देखा होगा कि वो लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ मारपीट भी करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में देखेंगे कि वो सब एक साथ ही खेल रहे हैं। तो परिवार भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए, भले ही आप कुछ कह लें लेकिन थोड़ी देर बाद सब एक साथ बैठे, आनंद इसी में आता है। इसलिए आप सबसे कहना है कि आप माता पिता की सेवा करते रहें,